भक्तगण कैलाश नेगवाल कमसा जी रामपाल जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष साहब जी सब एमएलए साहिबान बिंदु जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण कार्यकर्ता बंधु मेरे सामने मेरे पर इस तरफ उस तरफ बैठे हुए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे नेतागण। अब आप लोग सब एक मिनट के लिए बैठ जाओ, सब एक मिनट के लिए बैठ जाओ। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, सब लोग पार्टी के लोग भी सब इकट्ठा हैं, माताएं बहनें भी इतनी जोरदार संख्या में आई हुई हैं, और मेरे भाई और बुजुर्गण इस गर्मी के अंदर सब लोगों ने अपना परिवार मान के या आके जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है, मैं समझती हूँ कि मैं जितना भी काम कर लूँ वो तब भी आपका ये प्यार का दर्जा नहीं उतार पाऊंगी। आपकी बहुत बहुत आभारी, सबसे आभारी। मैं शुरुआत करने से पहले अपनी पार्टी के अंदर आज बहुत सारे लोग शामिल होने जा रहे हैं और वो उनका नाम मैं बताऊंगी, और मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो हमारी पार्टी में आएंगे तो उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, और मैं उनका नाम पढ़ना चाहूंगी। पूर्व उप प्रधान जायल भंवरलाल जी पोटलिया, राजेश कुड़ी पूर्व विधायक राम सिंह जी कुड़ी के पुत्र, पूजा राम जी शर्मा, रामकरण जी चौधरी, दासी राम जी ढाका, नारायण सिंह जी, खेताराम जी पोटलिया, हुक्मा राम जी पांडर, उदाराम जी रेवड़, गोर्धन जी रेवड़, हजारी राम विड़ियासर, भंवरलाल जी कुड़ी, जसाराम जी, मगनी राम जी, मांगी राम जी, भंवरलाल जी, भोम सिंह जी राजपुरोहित, रूपाराम जी दोजक, गीता देवी गुजर, चूनाराम चौधरी, सत्यनारायण जी, लिखमाराम जी देड़ू, राम निवास जी बाटन, भूरा राम जी बांगड़ा, उनकी देवी यहाँ तो हो, मैं सोचा कि चार आदमी होंगे, पांच आदमी होंगे, तो 101 आदमी है, पर नंबर भी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक करा, 101। जब भी कभी कोई शुभ काम होता है तो वो 11, 51, 101 से करते हैं। आप लोगों ने बराबर मुझे 101 देके आज ऐसा शुभ संकेत दे दिया है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देके आपको सबको बधाई देके पार्टी के अंदर आप सबका बड़े प्यार से आपका यहाँ मैं स्वागत करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि हमारी पार्टी और जाएगी और बढ़ेगी आप लोगों की सबकी शक्ति की वजह से। पढ़ना चाहूंगी मैं पूरा, परंतु मुझे लगता है कि अखबार में भी आ जाएगा ये, और नीचे आके इस मीटिंग के बाद मैं आपको खुद हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, उनका भी आशीर्वाद मैं लेना चाहूंगी। ये यहाँ जो बैठी हुई है मेरे सामने वो वाकई में मेरा एक परिवार है। नागौर में जब मैं पहली दफा आई थी, टाराम जी ये पदाधिकारी हैं मैम, ओहो टाराम जी रिटायर्ड आईटी हो जी, अब वो टाराम जी बहुत धन्यवाद। मैंने कांग्रेस को आप लोगों ने खत्म करके रख दिया क्या, कुछ तो छोड़ा कि नहीं, दो चार तो छोड़ना चाहिए। मैं इस पूरे परिवार को जब पहली दफा नागौर में आई थी तो मुझे याद है कि उस समय मैंने यही कहा था, आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया है, जिस तरीके से मुझे अपनाया है, मैं वाकई में आपकी इस चुनरी की कसम खा के कहती हूँ कि जहां जहां मेरे को चुनरी पहना के आप लोगों ने सहलाया है, सिर के ऊपर हाथ रख के प्यार किया है, मैंने हमेशा ये कहा कि जिस तरीके से इस परिवार ने आगे लिया है उस तरीके से अगर पूरे राजस्थान के अंदर सब जात पात को अलग करके, सब मजहब को एक साथ लेके, एक परिवार के रूप में हम पूरे राजस्थान को जोड़ दें, तो राजस्थान का विकास आज जो 55 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल के अंदर पूरा होके रहेगा, इसमें पूरा विश्वास आप करके चलिए। अभाव हमारा सिर्फ इतना ही है प्यार का, एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते,
हम अलग अलग जात के हैं, अलग अलग मजहब के हैं, हमको अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से लड़ें, और कांग्रेस को अच्छा लगता है कि हम उनको लड़ाएं। वो लड़ाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक का वोट हमको मिल जाए। आज 55 साल राज किया तो उसका राज सिर्फ इतना ही है कि लोगों को झगड़ा कराओ, लोगों को अलग कराओ और उनके वोटों का फायदा लो। ये 55 साल से कांग्रेस करती हुई आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की नई नीति है, राजस्थान को आगे बढ़ाओ, एक नया राजस्थान बनाओ और पूरे राजस्थान के सब 36 के 36 गांव और सब मजहब को प्यार से लेके चलो, तभी ये काम हमारा पूरा हो सकता है। ये आप सबको विश्वास रहने में यह आई। सबसे पहले मैं 3-4 बातों को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे और मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी देर तक मैंने बिठाए रखा, परंतु रस्ते भर लोगों ने प्यार दिया और मैं तो क्या है, प्यार की कायल हूँ। प्यार कोई देता है तो वहीं लटक जाती हूँ। पर इतने सारे लोग थे रस्ते में, प्यार दे रहे थे, साथ चल रहे थे, मैं तो उनकी कायल हो गई और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में लेट आई। और आपने अब प्यार दे दिया तो मैं अगले में लेट जाऊंगी, ये आपको सबको कहना चाहती हूँ। 4 बातें हैं। सबसे पहले किसान आयोग। अपनी सरकार जब बनी थी तो मैंने सब लोगों को ये कह दिया था कि ये जरूरी है कि किसानों के लिए कोई एक नई चीज अपने को करनी चाहिए। राजस्थान को विभाजन करके रख दिया है, किसान की तरफ बहुत कम लोग देखते हैं। ये जरूरी है कि जो जिसको अन्नदाता कहा जाता है उसके हाथ और पैर भी मजबूत हम करें। तो हम लोगों ने ये तय किया अप्रैल 2006 के अंदर पूरे किसान के जो विशेषज्ञ देश के उनको बुला के उनकी मीटिंग करा के उनसे ये कहा कि एक आयोग बनाइए, और एक आयोग बना के हम चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हम करते हैं, जो किसानों के लिए करते हैं, सोच के करते हैं, अगर वो सकारात्मक है या अगर वो नकारात्मक भी है तो उनकी जो फीडबैक है वो सरकार के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, घूम फिर के आराम से नहीं, ताकि किसानों का जो भी फायदा नुकसान हो वो हम जल्दी से उसको कर सकें। हमने ये भी सोचा कि किसान संघ, किसान मोर्चे और भी जो किसान की जो मैंने बैठकें होती हैं उनकी सब बातें डायरेक्ट सरकार को पहुंचे, कहीं घूम के उनको जाने की जरूरत न पड़े, उनके लिए भी एक आयोग इस आयोग के द्वारा करने का हमने सोचा। और साथ साथ फसलों का बाजारू मूल्य जो है, जो नहीं मिलता है किसानों को, वो किस तरीके उनको दिया जाए, कैसा अच्छा बीज, कैसा पानी, कैसा पशुपालन, कैसा खाद उन तक पहुंचाया जाए, ये सब किसान आयोग के द्वारा हम करें, ये हमने सोचा। फिर आज नई नई तकनीक निकलती है दुनिया के अंदर, वो नई तकनीक भी हम किसानों को कैसे पहुंचाएं, लंबा रास्ता को काट के किस तरीके से हम पहुंचाया जाए, तो ये किसान आयोग को हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की। इसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया। 28 मई 2012 को उन्होंने सरकार को अनुशंसा की, पर तब से लेके तो क्या मैं कह रही हूँ कि अभी 6 साल तक ये किसान आयोग खड़ा भी नहीं हुआ, इस किसान आयोग के द्वारा कोई काम भी नहीं हुआ। और मैं समझती हूँ कि अगर ये किसान आयोग इस सरकार ने खड़ा कर दिया होता तो आज इतने सारे किसानों को उसका फायदा मिल जाता। ये जरूरी है कि वैसा किसान आयोग हमारा खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ मैंने नागौर को उस चौक के अंदर वादा किया था कि मैं आपको पानी पर्याप्त और शुद्ध पिलाऊंगी। आपको याद है मैं तो नई नई थी और मैं सोचा युवा की जब होती है ना कि हाँ कोई मांग रहा है कुछ तो उसको मैं यस कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हम कर सकेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, हम इसको सब देख लेंगे। वहां से उतर के जब सरकार बनी तब हम लोगों ने बहुत मशक्कत की और मशक्कत करके पैसों का इंतजाम किया, और पहला जो किस्त हमको मिला 761 करोड़ रुपया का, तो हमने इंदिरा गांधी नहर का पानी, वो भी हिमालय का पानी है, इंदिरा गांधी का पानी लेके और वहां डायरेक्टली आपके नागौर तक पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार गई उसके पहले हमने मीठा पानी नागौर को पिलाने का काम और अपना वादा पूरा करने का काम करके दिया। मेरी आदत नहीं है, और मैं सबको कहती हूँ, मेरी आदत नहीं है कि वोटों के पीछे मैं वादा करूं। मेरी आदत ये भी नहीं है कि मैं वोटों के नाम पे रेवड़ी बांटूं। जो भी करती हूँ वो आपके विश्वास को लेके करूंगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप हम पे विश्वास करो और हम आपको झूठ बोले और बाद में आपको ये कहना का हो कि अरे वो तो राजनेता है, सब लोग एक सही है, सब लोग वैसे ही झूठ बोलते हैं, कोई कुछ काम करता नहीं है, और काम करेगा तो यही सोच के करेगा कि हमको वोट मिलेंगे कि नहीं। मैंने आपको वादा किया था, और उसके सेकंड और थर्ड फेज के अंदर 1400 गांव को मैंने पानी पहुंचने की जरूरत थी,
ये पानी पहुंच जाता तो आज एक 4.5 साल के अंदर लोग प्यासे इस नागौर जिले के अंदर नहीं होते। और मैं अभी आपको सबको कह रही हूं कि आने वाले समय के अंदर मीठा और पर्याप्त पानी माताएं बहने आप तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करके देगी। ये मैं ऐसे वैसे बातें नहीं करती, इसलिए मैं कह रही हूं आपको। और आपको ये विश्वास करके जाना होगा कि जो जो काम हम लोगों ने बताए वो काम हम करके जाएंगे। नहीं तो मैं तो बहुत ही कंजूस हूँ, मैं इस तरीके से वादा करना पसंद भी नहीं करती, परंतु तो मैं जब पूरा पक्का करके ठोक बजा के उसको देखने के बाद मैं जानती हूँ कि ये पानी आपको पहुँचा सकूंगी और पर्याप्त साफ अच्छा पानी आप तक पहुँचाया जाएगा, ताकि आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ आपके क्षेत्र के अंदर मीठा पानी आता ही नहीं है और गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है और कहीं कहीं फ्लोराइड का पानी है और लोग उससे बहुत दुखी हैं। इसके बाद बिजली की समस्या, भाइयों आप लोग सब यहाँ बैठे हो, मेरी सरकार के जाने से पहले बहुत मशक्कत करके वो भी मैंने तय किया कि एक घरेलू लाइन हम लोग सबके घरों में ला के रख देंगे महिलाओं के। इस घरेलू लाइन से सिंगल फेज की आप वहाँ कूलर भी चला सकोगे, आपका फ्रिज भी चला सकोगे, ठंडक भी घर में पैदा कर सकोगे और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को पढ़ा भी सकोगे। बच्चे जो स्कूल जाके जो चिंता करते हैं उनको वो लाइट मिल जाएगी, वो अपने स्कूल से वापस आके घर में आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये परिस्थिति हमने बनाई और जाने से पहले मुझे मालूम है कि 18 और 20 घंटे तक लाइट लाने का काम चालू हो गया। मैं मानती हूँ कि अगर सरकार रह जाती तो सिंगल फेज की ये लाइट सबके घर में 24 घंटे चलती और सरकार आएगी तो ये 24 घंटे बिजली आप लोगों को घरेलू हम पहुंचा के छोड़ेंगे। आप उसकी भी चिंता मत करें क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। अब देखो आप साइड में किसानों को 3 से 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। अगर कहीं भी किसी गलती से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर 1-2 महीने के लिए वापस नहीं आता है, और वापस आता है तो जब आप रिश्वत देते हो, रिश्वत नहीं मिलती है तो ट्रांसफार्मर नहीं आता। और एक नई चीज है ये VCR का चक्कर, ये विजिलेंस कमेटी वाला, उन विजिलेंस कमेटी के द्वारा इतने पैसे उगाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जो हमारा 200 का बिल है वो 2000 का हो जाता है और जो 2000 का बिल है वो 20000 का हो जाता है और सब किसान उसी से दुखी है। क्या ये सही है जो मैं कह रही हूँ? इसमें कोई सत्य है? इसमें सत्य है। इसी तरीके से मैं पूछ इतनी चल के पूछ के कर रही हूँ। ये आपका जो हाईवे है किशनगढ़ से हनुमानगढ़ का हाईवे, आप लोग सब कहीं कभी न कभी उस पर चले होंगे, चले हो ना, चले हो। ये 407 करोड़ की स्कीम थी, 407 किलोमीटर उसमें चलना होता है किशनगढ़ से हनुमानगढ़। हमने इस क्षेत्र के लिए 130 किलोमीटर और 125 या 124 करोड़ की लागत से वो रोड बनाया। अब बताओ भाइयों कभी कभी उस रोड पे चलती हो तो हमारी याद आती कि नहीं आती? आती है ना, आपने देख लिए। मैं अभी रोड से अंदर से गुजर के आ रही हूँ, माताएं बहने मेरा हाथ पकड़ के रस्से उतार के कह रही है अंदर चलो जब देखो तो सही क्या हालत है हमारी। क्या बताऊं मैं, ये रोडों की हालत है। और कोई ने तो मजाक में ये कह दिया कि आगे आगे रोड बनता जाता है, पीछे पीछे से उकड़ता जाता है। ये भी आजकल ये रोड की मजा है। क्षेत्र के अंदर जहां भी देख लो आप, मैं 4 संभाग से होके आ रही हूँ, चारों संभाग में लोग रो रो के मेरे को यही बात कर रहे हैं कि भैया कुछ तो करो। मेरे हाथ में है नहीं, परंतु मैं देख के जा रही हूँ और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सरकार अपनी आएगी तो उस समय के अंदर हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपका स्कूलों की बात, आपके इस क्षेत्र के अंदर 2000 स्कूल सब मिला के करीबन 2000 स्कूल अपने टाइम के अंदर खुले थे, करीबन 5000 टीचरों को नौकरी मिली थी। और मैं देख रही हूँ अभी कि समाजीकरण के नाम पे 700 स्कूल बंद करा दिए गए और ये कह दिया है कि अरे वो तो छोटे छोटे ढाणियों में। अब इस इलाके के अंदर ढाणियां बहुत हैं और वहां के लोग इतने दूर आ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने समझ बूझ करके वो ढाणियों के अंदर स्कूल खोले थे, ये सोच करके कि 50 बच्चे 100 बच्चे वहां पढ़ेंगे क्योंकि वो वहां से यहां तक नहीं आ सकते, इसलिए स्कूल खोला था। परंतु इनको क्या चिंता, इन्होंने तो कह दिया उनको बंद कर दो सर, वहां के बच्चों का क्या होता है वहां बाद में देखा जाएगा, इसीलिए उनको भी बंद कर दिया। पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तब तो उनको रोजगार मिलेगी। भैया आप सब जानते हो कि अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का हमने काम किया,
और अभी 5 साल के अंदर कितने बच्चों को नौकरी मिली वो आप अच्छी तरह से जानते हो। अभी टेट का एग्जाम ये क्या है, आप लोगों ने टेट का एग्जाम ये चालू कर दिया है। टेट के एग्जाम की वजह से हजारों की संख्या में बच्चे बैठ नहीं पा रहे, और फिर आप कह रहे हो कि 10वीं का एग्जाम करा के हम वहां से करवा देंगे, वो जाके कोर्ट में अटक जाएंगे। तो मैंने सब चीज आपने इस तरीके से सोच विचार करके रखा है कि कहीं ना कहीं रुक जाएगा और सरकार को ज्यादा मशक्कत भी करने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा पैसा देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमारे सब युवक कोर्ट में उलझे हुए बैठे हुए, सब कोर्ट में उलझे हुए बैठे हुए। सरकार आएगी, एक टैक्स हटेगा, इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं थी तब और आगे भी हमको जरूरत नहीं है। यह विश्वास करके चलो हमारे बच्चों को नौकरी देना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे आगे रखने की बात है। और मैं माता बहने आप लोग सबको कह रही हूं कि हमारे बच्चों को जिस तरीके से तब हमने 10 लाख लिए थे सरकारी और गैर सरकारी, इसी तरीके से हम आगे भी बच्चों की नौकरी को प्रायोरिटी पर रखने का काम हम लोग करने वाले हैं, ये आपको विश्वास में दिलाऊं। आज आप देख लीजिए रोजगार दिया था नरेगा के नीचे, आप सब यहां बैठे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो महानरेगा राजस्थान का पूरे देश के अंदर नंबर एक था, याद है आपको, नंबर एक का था। 26 लाख लोगों को नौकरी मिली और 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्ति बनाई उस परिसंपत्ति की वजह से बीमारू प्रदेश राजस्थान आके उस गड्ढे से बाहर निकला। ये 26 लाख लोगों का काम था, उनका खून पसीना उन्होंने उसके अंदर डाला और हमने भी उनका सहारा, जो महिला निकल के आई 100 दिन करने के बाद उनको लुगड़ी मिली, और जो हमारे लोग 100 रुपये में जो काम करते थे उनको 100 रुपये का दिन में दिन का मिलता था, आज आप देख लीजिए 22 रुपए 32 रुपए 40 रुपए मुश्किल से, और कहीं कहीं मजाक में 1-1 रुपया जलेबी में नमक डालना, इसे मैं मजाक है मैं समझ में नहीं आता। 13,000 करोड़ रुपए तो खा गए और क्या क्या नहीं खाया राजस्थान के अंदर मुझे समझ में नहीं आता, इतना पैसा आ रहा है, इतना अच्छा पैसा है। हमने तो जब हमारा बहुत मैंने कम पैसा था, आपको याद है उस समय बहुत बात चली थी कि हम तो खजाना खाली है, हम तो भीख का कटोरा लेके चल रहे हैं, हम तो राजस्थान के लिए भीख मांगने को भी तैयार हैं। अरे हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान के लिए किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है स्वाभिमानी प्रदेश, और राजस्थान के लोग चाहते नहीं है कि कोई भी हमारे लिए जाके हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करे, हम भूखे सो जाएंगे, परंतु हम अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। तब भी नहीं खेलने दिया और आज भी नहीं, तब भी हमारे पास नहीं था, पर हम जानते हैं कि लाया और प्रदेश चलाया। अब ये स्थिति हो रही है, आज मैं सबको कहती हूं और आपको भी मालूम होना चाहिए कि विकास दर राजस्थान का सबसे नीचे है। अरे बिहार का विकास दर 16% हो गया है और राजस्थान का विकास दर 5%, कितनी शर्म की बात है। एक समय था जब इतिहास में लोग आते थे राजस्थान के इतिहास को सुनने और देखने के लिए, और अब राजस्थान की जब बात होती है अरे वो राजस्थान जिसके जयपुर में माताओं बहनों की चैनें खींचती हैं, नंबर एक है पूरे देश के अंदर माताओं की चैन खींचने के लिए, वाह क्या नाम है अपना। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, सड़क के ऊपर नहीं चल सकती, हमारी बेटी पिक्चर देखने के लिए कहीं चली जाती है तो जब तक वो 3 घंटे पूरे नहीं होते और वो घर नहीं वापस आ जाती तब तक दिल धड़कता रहता है कि मेरी बेटी वापस घर आएगी कि नहीं आएगी, कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। आपको मालूम है बूथ मदीनों के साथ क्या हुआ, अरे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ अत्याचार करके जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, मैं समझती हूं कि हमारे प्रदेश का मुखिया हो परिवार का मुखिया है, तो परिवार का मुखिया जिसके अंदर हमारी महिला की हमारी बहन की हमारी बेटी की हमारी बहू की इज्जत नहीं रख सकता उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रहे थे, तो क्या परिवार, क्या परिवार। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूं कि 152 टेप मिले थे, याद है आपको, एक टेप का तो आपने सबको सुना दिया, 152 टेप कहां चले गए, कहां चले गए, चुन चुन के मारने की कोशिश आपने की है, चुन चुन के यहां गुलाब जी को मारने की कोशिश की है, उसके पहले मेरे को आयोग के नीचे खड़ा करने की कोशिश की, पूरी फाइल खंगाल ली कुछ नहीं मिला, और मुझे मालूम है कि आपने छोड़ा नहीं है, कभी सीबीआई को पकड़ते हो, अपनी पुलिस को पकड़ते हो, कभी किसी को भी पकड़ते हो। अरे ऐसा कोई डरने वाला नहीं है जी, हम भगवान के सामने, मैंने हमेशा कहा कि हम भगवान के भरोसे हैं,
हमने काम भगवान के भरोसे किया है, हमने जनता को भगवान माना है, हमने जनता को परिवार माना है और भगवान भरोसे हमने चल के राजस्थान का काम किया है और उस काम के अंदर हमारे सब लोगों ने मदद की है, एक अकेले ने नहीं किया है।